बोलो हाँ कि कितना होगा, और ये के सुनो दो कितना होगा, और ये के सुनो दो कितना होगा, और ये के सुनो दो। देखो गोस्वामी जी यही समझा रहे हैं कि जो एक है ये भगवान की भक्ति, जो सुनो जो जीरो ये संसार, ये संसार जीरो ही है। एक दिन हम हैं, तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी भी गए, तुम भी एक दिन जाओगे, हम भी एक दिन जाओगे, संसार जीरो है। लेकिन वो जो जीरो है ना वो हीरो हो जाएगा, बोले कब, बोले जब एक में जुड़ जाए। किस में जुड़ जाए, जब ये एक में जुड़ जाए। बोले एक क्या है, बोले ये भगवान की जो भक्ति है कहते यही एक है। और जो जीरो ये संसार, मतलब अगर ये संसार को हम भगवान की भक्ति में जोड़ देते हैं बस हीरो हो गए। क्या हो गए, तुम हीरो हो गए। लेकिन अगर एक को छोड़ दिए, मतलब भगवान की भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, क्या बोले कमाओ खाओ और मर जाओ, कमाओ खाओ और मर जाओ, वाह जानवर जैसे मर गए, जीवन का कोई महत्व नहीं। इसलिए सब कुछ करो लेकिन अगर प्रभु की भक्ति को साथ में जोड़ कर करो, वाह सबके सब तुम्हारी धन्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए खूब पैसा कमाओ, लेकिन पैसा क्यों कमाओगे, बोले भगवान की सेवा के लिए। घर में बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, बोले क्यों बना रहे हो, बोले ठाकुर को भोग लगेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा, खुद खाने के लिए नहीं, ठाकुर जी को भोग के लिए। घर को साफ सुथरा कर लो, बोले क्यों, बोले ये घर नहीं, ये ठाकुर का दरबार है, ठाकुर जी की मंदिर है। बच्चे को प्यार दो, बोले बच्चे कौन है, बोले ठाकुर जी के बच्चे है, ठाकुर ने ये बच्चे दिए है। सब कुछ ठाकुर जी को साथ में जोड़ लो, बस हो गई यही भक्ति। भक्ति कोई बड़ी कठिन चीज नहीं, हर चीज को केवल प्रभु को साथ में जोड़ देना, बस इतना ही भक्ति। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, ये मानव शरीर पा करके बोले श्रोतव्य कृतित बस्य स्मर्तव्य इच्छता भयम्। अगर जीवन में अभय बनना चाहते हो बोले तीन काम करो, बोले तीन काम क्या करे, बोले भगवान की कथा सुनो, भगवान की कीर्तन करो और भगवान की स्मरण करो, तीन काम करो। लेकिन ये तीनों भक्ति में कभी जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है, बोले भगवान की कीर्तन। सारी भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति भगवान की कीर्तन है, ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अभी आपको प्रभु जी एक भगवान की अच्छा कोई भजन सुनाएंगे, कीर्तन सुनाएंगे, आगे आ जाओ। भोले वृंदावन हरि लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कि ब्रज समुद्र मथुरा कमल, ब्रज समुद्र मथुरा कमल। हरे कृष्ण, जो लोग क्या कुछ लेकर देने के लिए आए आ जाओ, जो लेकर के आए देने के लिए आ जाओ, अभी दे जाओ, कीर्तन में दे जाओ। कि ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वृंदावन मदरंद ब्रज वनिता सब पुष्प है, मधुकर गोकुल चंद्र। ब्रज वनिता सब पुष्प है, मधुकर गोकुल चंद्र। अब कौन कौन वृंदावन जाएंगे, सब ये हाथ उठा के बताएं कौन कौन जाएंगे। कोई कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं, इसके मतलब जाना नहीं है क्या वृंदावन, आज तो रसगुल्ले का जन्म है, इसलिए सभी लोगों को जाना है। तो आइए सभी लोग नाचते कूदते वह चलेंगे वृंदावन। ओ मेरे वो वृंदावन जाओगे, मेरे रुके बिना
सुनने को मिला, मतलब ता और उबा। भगवान ने बोले तुम तपस्या करो, ब्रह्मा जी तपस्या किए, हरे कृष्ण। देखो इधर सुनो, आप लोगों जिसको जो जानते हैं कभी पास मत उठाओ, फिर आपस आपस में बात करोगे, फिर कथा नहीं सुनोगे। इसलिए आप जिसको जानते हो वहां चलो बैठे, अगर कथा सुनने के लिए आए, अगर कथा नहीं सुनने के लिए आए तो कोई बात नहीं, करे दुनिया की गप्पे मारते रहो। इसलिए भागवत कथा में जो बात कहते हैं आपस आपस में, ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए कभी भी पास में कोई बैठ करके आपस आपस में बात मत करो और अलग होकर बैठ जाओ, ठीक है। देखो मैं सामने बैठा हूँ, मैं सब करेगा, कौन कहाँ पर क्या कर रहा है नहीं कर रहा, इसलिए कोई एकदम बीच में बात मत करे, ठीक है। वहां पर मैं किसको बैठा, इसको आने मत दिया करो। वहां पर कौन बैठे हैं जो किसका, प्रभु जी यहाँ बैठ जाओ, किसी माता होगी अंदर में आने मत दिया करो, यहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, इधर कोई बताओ, जब कीर्तन होगा ना तब तो आकर के यहाँ दे जाना, अब जहाँ पर वहीं पर बैठ जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। रवि इधर बैठ, किसको ब्रह्मा जी कि उन्होंने दो अक्षर सुने, ता और उपा। बोले तुम तपस्या करो, जब ब्रह्मा जी तपस्या किए, भगवान जी उनको बोले ज्ञान में परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम ततः संत तदगत गृहाणाम गदिमया। तब ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान समेत उनको ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। भगवान में हम लोग जो गोपाल मंत्र जप करते हैं, पहले उन्होंने ये गोपाल मंत्र दिए, ब्रह्मा जी उसी गोपाल मंत्र द्वारा उन्होंने विश्व ब्रह्मांड को सृजन की। फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने बोले ये सृष्टि का क्रम था,
श्री सर्वप्रथम ब्रह्मा जी अपना मानस चतुसन को उन्होंने सृष्टि किया, सना की सनंदन सनंदन और सनंद कुमार। भगवान निर्देश है ये संसार का सृष्टि का क्रम बढ़ाओ। बोले पिताजी ये गृहस्थी बड़ा दुख में है, इसलिए हम ये संसार में बना नहीं। बोले भगवान का आदेश है सृष्टि का क्रम बढ़ाओ, सर्वप्रथम हमने तुमको सृष्टि की, अब पहले ही तू मना कर दिया सृष्टि नहीं करेंगे, फिर सृष्टि का क्रम कैसे बढ़ेगा। बोले अगर तुम सृष्टि नहीं करो ना तुम्हें अभिशाप देता हूँ। बोले क्या अभिशाप दे रहा हूँ? बोले तुम जैसे छोटे से नन्हे बालक, जैसे नन्हे से बालक 5 साल के बनकर रहोगे, कभी बड़े नहीं होगे। बोले अभिशाप थोड़ी, ये तो वरदान है। अब देखना बच्चे खूब मस्ती से खेलते हैं कूदते हैं, उनका कोई टेंशन नहीं। टेंशन किसको है? जो घर में बड़े हैं। बोले बहुत अच्छी बात हो गया, कभी बड़े नहीं होंगे, दुनिया की कोई दायित्व नहीं रहेगा, खूब भजन पर प्रभु का भजन कर पाएंगे। बोले तो वरदान है। श्री क्रोध आया तो ललाट से श्री शंकर जी रुद्रदेव प्रकट हुए। बोले भैया संसार का क्रम बढ़ाओ। शंकर जी कौन है? सत्यम शिवम सुंदर। अब कहीं भी शंकर जी को मूर्ति देखो, देखना शंकर जी ध्यान में बैठे हैं, जोगी जोगी महागी। जब शंकर जी को एक बार भाग ना कल्प तक शंकर जी के ध्यान लग जाते हैं। हर समय प्रभु की भक्ति में शंकर जी मस्त रहते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं महामंद्र जई जपत महेशा और काशी मुक्ति हेतु उपदेशा, हर समय पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी। हर समय प्रभु की नाम में मस्त रहते हैं। अभी शंकर जी की भी इच्छा नहीं ये संसार में फंसने का। बोले अगर पिताजी को मना करो ना, जब बड़े भाइयों के ऊपर नाराज हो गए, मेरे ऊपर ये नाराज नहीं हो जाए। इसलिए उन्होंने भूत प्रेतों को सृष्टि करना प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले ये कोई सृष्टि भूत प्रेत है? जरूरत नहीं तो सृष्टि करने का, सृष्टि बंद करो। बोले भाई मैं तो यही चाह रहा था। फिर उन्होंने अपना परछाई से कर्दम ऋषि को सृष्टि की, फिर उन्होंने 10 बेटों की सृष्टि की, फिर उन्होंने श्री मनु महाराज को सृष्टि की, फिर मनु महाराज ने उन्होंने मनु और सतरूपा को सृष्टि की, फिर यहीं से सृष्टि का क्रम बढ़ा। यहीं से ही सर्वप्रथम उन्होंने 2 बेटे और 3 बेटियों को जन्म देते हैं, जो उत्थान पात प्रिय व्रत आकुति देहूति प्रसूति, ये 3 बेटियों को वो जन्म देते हैं। जब जन्म दिए इसी मनु महाराज से ही ये सृष्टि धीरे 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 प्रारंभ हुई। इसलिए हमको क्या कहते हैं? मानव। इसलिए मनु महाराज सब ये हैं। हमारी जो विज्ञान है ना साइंस, वो कहता है हम लोग मनु महाराज से नहीं हुए हैं। बोले कहाँ से हुए हैं? हम सबके बंदर से हुए हैं। पहले ये जीव, पहले ये बंदर था, और ये बंदर का पूछ कटते 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 जब खत्म हो गया, फिर ये इंसान बन गया। लेकिन हमारे गीता भागवत पुराण ये सब बात नहीं था। इसलिए हमारे गुरु जी जो बड़े गुरु जी थे वो कहते थे एक डार्विन हुआ है, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट ही है। इसने ये फिलोसफी बताया, पहले हम बंदर थे, वो बंदर से पूछ कटते कटते इंसान हो गए। लेकिन वो कहते हैं ये जो डार्विन है ना, इसका पिता माता बंदर थे। लेकिन हमारे पिता माता बंदर नहीं थे, हमारे पिता माता कौन है? बोले तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधुश्च सखा तुमैव। हमारे पिता माता कौन है? बोले कृष्ण है, हमारे पिता माता राम है। एक बंदर को ले आओ और तुम्हारे चेहरा से मिलाओ, मिलेगा बंदर? तुम्हारे चेहरा बंदर जैसे? लेकिन भगवान राम को ले आओ, कृष्ण को ले आओ, देखो कृष्ण का जैसे नाथ हमारे जैसे नाथ, भगवान राम का जैसे 2 हाथ हमारे भी 2 हाथ है, भगवान राम का जैसे 2 पैर हमारे भी 2 पैर, हमारे भगवान राम का जैसा हाथ हमारे भी ऐसा हाथ है कि नहीं? बंदर से मिलेगा तुम्हारी कोई शरीर नहीं। इसलिए हम बंदर से नहीं हुए हैं, हम किससे हुए हैं? हम भगवान कृष्ण से हुए हैं, हम लोग बंदर से नहीं हुए। इसलिए मनु महाराज से हुए, हमें मानव कहलाते हैं। सर्वप्रथम माता देहूति को साथ में श्री कर्दम ऋषि की शादी हुई।
लेकिन जब शादी हुई उसको बाद में फिर वो संसार मस्त नहीं हो गए, फिर करदम ऋषि भजन में बैठ गए। बैठ गए तो माता देहूती अपना पति प्रता धर्म को द्वारा उन्होंने पति की खूब सेवा की, 10,000 साल तपस्या की। जब उनको आंख खुली वो भूल गए ने कभी शादी किया। सामने एक डोकरी को एक बुढ़िया को देखे, बोले तू कौन हो? बोले आपने कभी भूल गया है, आपने कभी शादी किए है? बोलो तू वही देहूती हो कि आकृति देहूती प्रसूति। ये तीनों कन्या इतने सुंदर थी, जब ये आंगन में ये तीनों खेलती थी देवता लोग भी जिनकी सुंदरता देख करके वो भी दंग हो जाते। लेकिन माता देहूती अपनी पति की सेवा करते 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 इनकी आंख खोली तो इतना केस है ना, सब जटा जुट हो गया है, एकदम दिख गई। बोले क्यों? वो पति भोजन नहीं करते हैं। जब पति भोजन नहीं करते हैं फिर माता देव कैसे भोजन कर सकते हैं? माता देवती हर पति व्रता नारियों को सिखाती हैं, ऐसे नहीं पति को खिलाया नहीं स्वयं भोजन करके चट कर गए कर नहीं। जब तक पहले तो ठाकुर जी को खिलाओ, उसके बाद बच्चे को खिलाओ, स्त्रियों को कब खाने आइए, लास्ट में स्त्रियों को घर में लास्ट में खानी चाहिए। इसलिए पति भोजन नहीं किए फिर ये देवती कैसे भोजन कर सकती है, इसलिए भोजन नहीं की। बल्कि इसके सारे जो केस है ना सब के सब जटाजूट हो गई। बोले जटाजूट क्यों हो गई? बोले पत्ते है नहीं, फिर ये श्रृंगार किसके लिए करे? देखना आप लोग तो सब हिंदू माताएं, जितने अभी तो दुनिया अलग हो गई, जितने सब बड़े बड़ी देखना जितने माताएं होती थी जो श्रृंगार करती शाम को, सवेरे कोई श्रृंगार नहीं करती। बोले क्यों? बोले दिन तो पति काम करने के लिए गए, तब इस श्रृंगार करके किसको दिखाई? इस पति काम कर शाम को आती, इसलिए पहले माताएं कोई भी सवेरे श्रृंगार नहीं करती थी, सबके सब शाम को अवसर करके श्रृंगार किया करती। और बताए शादी से पहले भी लड़कियों को ज्यादा श्रृंगार करने के लिए शास्त्र मना करते हैं। श्रृंगार तभी कर जब तुम्हारी शादी हो जाए, उसको पहले श्रृंगार करने के लिए मना करती हैं। हैं? अगर जब लड़कियां सियाणियां हो जाती है ना, उनको जितने जल्दी से जल्दी वो शादी करवा दो, ये हमारी संस्कृति है। आप लोग देखे होंगे पहले बच्चों को बचपन में शादी करा देते थे, क्यों? पता चल जाता था मेरी पति है, फिर इधर उधर नजर नहीं डालते। लेकिन अभी आप जानते हो क्या दुनिया हो रहा है, हैं? अभी दुनिया क्या हो रहा है, कितने बॉयफ्रेंड कितने गर्लफ्रेंड करके आते हैं, शादी के पास में लड़ाई झगड़ा, फिर तो दो दिन बाद में डाइवोर्स, कारण किया गलत यही। इसलिए पहले हमारी जो संस्कृति ना, पहले जितने स्त्रियां सती हुआ करती थी सबके सती होती थी, हैं? कोई पहले चरित्र भ्रष्ट करने को नहीं चाहती शादी से पहले। लेकिन अभी दुनिया किधर जा रहा है ये तो आपको सारे को सारे आपको पता होगा, अभी दुनिया कहाँ जा रही है, हैं? इसलिए डाइवोर्स लड़ाई झगड़ा, आप किसी कोर्ट में चले जाओ केवल यही और कुछ नहीं। अभी भारत में 50% जहाँ जितने ज्यादा पैसा जिनको घर में उनको घर में ना ही गड़बड़ी, आप देखो उतना ही गड़बड़ी। इसलिए माता देहूती उसे कभी श्रृंगार नहीं की, क्योंकि पति भजन में बैठा हुआ है, फिर श्रृंगार करके किसको दिखाई की श्रृंगार करके, इसलिए सारे को ऐसे जटाजूट हो गई। इतने में बोले देव बताओ क्या चाहिए? बोला भगवान से उन्होंने दो वर मांगे थे, पहले तक करदम ऋषि शादी करना नहीं चाह रहे थे, शादी करना चाह ही नहीं रहे थे, भगवान से उन्होंने दो वर मांगे। पहला वर है अगर आप मेरे बेटे करके आओगे तो शादी करूंगा, दूसरा वर है तब तक संसार में रहूंगा जब तक घर में संतान नहीं रहे। भगवान वरदान दिए थे, भगवान वरदान दिए थे, बोले भगवान से वर मांगना तभी शादी करोगे जब बच्चे हो जाए, आप बच्चे बन करके आओ, अब तो बच्चे हुए ही नहीं है, मतलब आने क्यों दे भैया, यहाँ मत देना मना इनको, कौन बोलता है वहां बंद कर दो, नहीं तो वहां से यहाँ किसको आने
मत दिया करना, यहाँ किसी को नहीं मत दिया करना, ये जब कीर्तन होगा ना तब आकर चढ़ाया करो, नहीं जब कीर्तन होगा तब आकर चढ़ाया, नहीं तो वहां पर किस पान मत दिया करो, यहाँ कीर्तन में चढ़ाना, नहीं कथा ना कोई कथा नहीं सुनते, फिर तुम हमें नहीं देते। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री श्री राधे। अब इसी बोले जाप ये है कि बिंदु सरोवर में तुम स्नान करो, और बिंदु सरोवर में स्नान करते ही वो पहले जितने सुंदरी थी उससे भी अपूर्व सुंदरी बनकर निकली, हजार हजार दासियां वहां से प्रकट हुई। फिर श्री ऋषि ने एक विमान सृष्टि की जिसका नाम था श्री कामक विमान। पहले देखो हमारा जो साइंस है अभी का साइंस से ज्यादा एडवांस था, अभी एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन कभी एक्सीडेंट हो जाती है, और कभी कभी जो एरोप्लेन है उसमें कितने लोग बैठ, 100, 200, 1000 इससे ज्यादा नहीं बैठ सकते, और इसके लिए पेट्रोल नहीं तो डीजल चाहिए। तो इन्होंने एक विमान सृष्टि योग से जिसका नाम था कामक विमान, मतलब जैसे इच्छा करोगे ना तो विमान वैसे ही उड़ते रहेगी, और उसमें बैठ तो कभी कोई बूढ़ा कभी बुरी नहीं होगी, जिसमें सुंदर राज प्रसाद जिसमें बनी हुई है, सुंदर सरोवर है, चार तरह का कमल का फूल खिले हुए जिसमें है, उसमें वर्णन आया कितने कोस तक ये कामक विमान, कितने बड़ी कामक विमान थी, कर्दम ऋषि माता देवी को लेकर उसी विमान ने आकाश में उड़ रहे, उनको नाट हो उनको बड़ी प्यारी प्यारी कन्या जन्म हुई। कर्दम ऋषि बोले देवती अभी तो खुश हो गई, तुम्हारी नौ नौ बेटी हो गई अभी तो प्रसन्न हो गई ना, बोले नहीं ये नौ बेटियां तो शादी हो गई अपना ससुर घर चली जाएगी, अभी मेरे पास में रहेंगे, अभी भगवान अभी बेटे बनने के ठाकुर भी आए नहीं। तब माता देवकी फिर कर्दम ऋषि की पूजा सेवा की, फिर भगवान स्वयं श्री कपिल मुनि बन करके ठाकुर जी आते हैं। बोले श्री कपिल भगवान की जय। देखो अभी घर में नौ नौ कन्या, अगर घर कन्या जाए ना पितामह का पहला कर्तव्य है पहले ये कन्याओं को शादी करवाओ, कन्या को पहले ये बच्चे इसके बच्चे ये माता जी पीछे ले जाओ, इसलिए पहले ये कन्या पहले शादी कन्या को दिलानी चाहिए, कन्या को ये पिताजी का पहला ये कर्तव्य है। आपको घर में लड़कियों को शादी देते होगी, देखना एक लड़की को शादी दो ना पूरा परिवार देखना संसार खाली हो जाता है, घर में कितने लड़कियां हैं, घर में नौ नौ बेटियां हैं, कितने कठिन होगा नौ बेटियों को शादी देना। लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं अगर आपकी हृदय में प्रभु की भक्ति करने की इच्छा हो ये सारी व्यवस्था कर लेते हैं। अब नरसिंह भक्त का नाम सुने हो, नरसिंह भक्त का नाम सुने हो, ये दिन रात प्रभु का भक्त था, लेकिन घर में बेटी को कौन शादी करवाएगा, स्वयं कृष्ण सावरिया सेठ बन करके कृष्ण स्वयं उनकी लड़की को शादी करवाते हैं। अगर आप प्रभु का भक्ति करो ना कर्तना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी सारे नाम हो रहा है, इसलिए इतनी ब्रह्मा जी अपना नौ बेटियों को लेकर के कर्दम ऋषि को पास में आए, जब आए इनको पास में नौ बेटी और इनको पास में नौ बेटे, बोले भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, बोले शुभम शीघ्र शुभ कार्य शीघ्र कर देनी चाहिए, एक साथ में नौ बेटी की शादी और घर खाली हो गया, बस इनका भजन रास्ता साफ हो गया। अभी से कर्दम ऋषि भजन करने के लिए चले गए, हाँ देखो यहाँ प्रश्न होता है बोले भैया भजन करने के लिए किसी को जा रहे हो, भगवान को, बोले भगवान तो तेरे घर में बैठे हैं, कर्दम ऋषि रूप में भगवान बैठे, श्री कपिल मुनि रूप में बैठे हैं, फिर तू जंगल में जा रहे हो भजन के लिए, हाँ यहाँ पर सिखा देते हैं जब तक हृदय में प्रेम नहीं हो अगर भगवान तुम्हारे सामने आ भी गए ना कहते तुम्हारी कोई लाभ नहीं होने वाला,
जैसे रावण ने राम को भी दर्शन किए लेकिन रावण का कोई लाभ नहीं हुआ। भगवान को साथ में जिंदगी ईर्ष्या द्वेष और सीता को ही उठा करके ले गई। मेघनाथ भी राम लक्ष्मण को दर्शन किया। अब रामायण देखे होंगे, लक्ष्मण ने किया उन्हें श्री मेघनाथ ने लक्ष्मण को ऊपर में शक्ति शैल की प्रहार करता है और राम लक्ष्मण को नागभास बंधन में उन्होंने बांध दिए। भगवान को देखते के मन परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? कंस वो भी कृष्ण को दर्शन है लेकिन जीवन में कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ क्या कहते हैं, अगर जब तक हृदय में तुम्हारी भक्ति नहीं हो, अगर भगवान भी तुम्हें दर्शन देते हैं लेकिन तुम्हारी कोई लाभ नहीं होना, इसलिए घर में भगवान होते हुए भी कर्दम ऋषि भजन करने के लिए चले गए, घर में माँ और बेटे रह गए। एक दिन माँ को पता है मेरा बेटा भगवान, एक दिन माँ स्वयं आकर बेटे को सामने हाथ जोड़ करके प्रश्न किए, बेटा मैं दी जाती हूँ, मन बड़ा चंचल है, मैं भगवान की भक्ति कैसे करूँ? देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, ये जो ज्ञान है ना, ये ऐसे के वस्तु है, ज्ञान का माँ है, क्या करता है बेटे माँ से उपदेश लेते हैं, लेकिन अभी माँ स्वयं बेटे को पास में हाथ जोड़ करके ज्ञान की बात प्रश्न करती है। मतलब ज्ञान ऐसे की चीज है, वो ज्ञान कहीं क्यों नहीं हो, छोटे व्यक्ति क्यों नहीं हो, वहां से ज्ञान हमें अर्जन करनी चाहिए। तब भगवान स्वयं अपना माँ को उद्देश्य करके उन्होंने सब जीव को उन्होंने बड़े सुंदर ज्ञान की बात बताए। बोले मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मक्षेव। बोले माँ जो मन है यही मेन वस्तु है। कहते हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, लेकिन इनका राजा कौन है? बोले मन। जैसे मन ने कहा चलो कथा हो रही है, कथा सुन करके आते हैं, तब सारी इंद्रियां क्या की, आकर के यहाँ पर बैठ कर कथा सुन रहे हैं। अगर मन बोलता अरे कथा सुन कर क्या होगा, चलो थोड़ा घूम आ कहीं इधर जाते कहीं थोड़ी हैं, घर में बैठ करके बात करते हैं, फिर इंद्रियां क्या करती वहीं पर बैठ करके अपना गप्पे मारती। लेकिन मन ने कहा चलो कथा सुन करके आते हैं, सब इंद्रियां आकर के यहाँ बैठी गई। इसलिए भगवान कहते हैं माँ ये मन को सही करो, ये मन ही सब कुछ है। इसलिए हमारे गुरु जी की जो गुरु जी थे ना, जिन्होंने विश्व में ये सनातन धर्म को प्रचार किया, वो कहते थे सवेरे उठो और अपना जुत्ती लो, फिर उनका क्या करो अपना जुत्ती लो और अपना मन को सवार पिटाई करो। मतलब मन को समझाओ, आज तुम इतने नाम करना, ठाकुर कीर्तन करना, भजन करना, गंदी चीज में मन मत लगाए करो, भगवान की भजन करो, उसको सवेरे 100 बार मन को पीटो। इसलिए बोले माँ ये मन को तुम भगवान की भजन में लगा दो। बोले बेटा बोलना तो बड़ा सहज है लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, कैसे भजन और मन का चल है, फिर क्या करे माँ जो मन को तुम संतों को संगत में लगा दो। इसलिए है ना संतन के संतन के राम जन्म ने अनुराग
पहचानना भी तो बड़ा कठिन है। विशेष करके कलयुग में संतों को पहचानना बहुत बहुत ही कठिन है। इसलिए भगवान संतों का लक्षण कहते हैं, पहले उनकी 26 लक्षण है, 26 जो 25 लक्षण है उनका बाहर का लक्षण है, और उनका जो एक एक लक्षण है, ध्यान देकर सुना, ये ठाकुर जी कहते हैं संतों का क्या लक्षण है, कहते उनका जो एक जो लक्षण है उनका जो असली लक्षण है। बोले पहला लक्षण किया उनको बाहर का, बोले पहला लक्षण है भले ही जीवन में जितने दुख क्यों हो, जितने दुख कष्ट जीवन में क्यों नहीं आए, लेकिन वो प्रभु का भजन कभी नहीं छोड़ो। मीरा का नाम सुनो, कौन कौन मीरा का नाम सुने, सब जानते हो। हम देखना मीरा भजन की, उसका पति, उसका जेठ, उसका देवर, उसका नणन, उसकी सास, कभी एक एक कुत्ते तक भी उसको पीछा नहीं छोड़े, सबके सब उसको पीछे पड़ गए। आप देखना ये दुनिया में भले कोई गलत काम करता है, उल्टा उल्टा काम करता है, देखना उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप गले में कंठी पहन लो, थोड़ी सी तिल लगा लो, थोड़ी सी माला ले लो, बोले कौन बाजी के चक्कर में पड़ गए, किसने तेरी बुद्धि गड़बड़ कर दी। लेकिन बेटा अगर भजन बेटी करे, बोले ये कोई उम्र है भजन करने का, लेकिन शराब के जुआ खेले, बोले ये उम्र है। आप देखना प्रभु की भक्ति में मीरा जो भजन की सारा दुनिया से बढ़ गई, लेकिन मीरा ने उसने अपना गिरिधर की रंग को नहीं छोड़ी, प्रभु का भजन को कभी नहीं छोड़ी। कर ये संतों का अहिला लक्षण है। देखो एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम,
भले ही मन में जो कुछ हो जाए, इनके मन में कभी क्रोध नहीं आता। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने सोचा, आज ये बाबा को हम क्रोध दिला करके छोड़ेंगे, इनका नित्य नियम था गंगा में नहाना। एक टोकरी में उन लोगों ने क्या किया, एकदम कीचड़ लेकर के धूल बालू लेकर के खड़े हो गए। तो वो बाबा गंगा में नहा कर आए, सीधा सर डाल दिया। लेकिन वो बाबा कुछ भी नहीं बोले। दोबारा गए, गंगा नहा करके आए। जब दोबारा आए ना, फिर सर पर डाल दिए। फिर उसने गया गंगा स्नान किया, फिर जब आए फिर डाल दिए। उनके सर पर उन्होंने 100 बार डाला। जब किसी तरह से उनको क्रोध नहीं आया, इतने में बोले, बाबा सचमुच से आप संतो हो। उनका चरण में गिर पड़े, बोले बाबा हमारी अपराध हो गए तुम्हारे चरण में। देखो वो संत क्या कहता है, बोले किस चीज का अपराध है, बोले आपका हमने तंग करने के लिए कोशिश की। बोले तुम्हारे जैसे तो मित्र मेरे कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं रोज गंगा में एक बार स्नान करता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से हर गंगा में कितना बार स्नान कर लिया, 100 बार हमने स्नान कर दिया, इसलिए तुमने हमारी मंगल किया ना अमंगल किया। इसलिए कहते जो संत हैं, कहते उनको जीवन में कभी क्रोध का विषय आने पर भी वो कभी क्रोध नहीं करते हैं, ये इनका पहला लक्षण है। कहते उनका जो विशेष एक लक्षण है, पलमई अनन्न भावेना भक्ति कुर्वन्ति यदीरा। हाँ देखो इसको ध्यान देकर सुनो, भगवान कहते मेरे जो भक्त होते हैं ना, मई अनन्न भावेना भक्ति कुर्वन्ति, मतलब एक निष्ठ होकर वो भगवान की भक्ति करते। बहुत निष्ठा से भक्ति नहीं होती है, आज इसकी पूजा कर ली, कल उसकी पूजा कर ली, कल उसका नहीं बातो उसका पूजा करने लगे, नहीं भक्ति ऐसे नहीं हुई है। आप बताओ हनुमान जी का इष्ट कौन थे, राम थे ना। तुलसीदास का इष्ट कौन थे, राम थे। गोपियों का इष्ट कौन था, कृष्ण। मीरा की इष्ट कौन थी, कृष्ण। इसलिए मीरा कहती मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न को, भक्ति ऐसे होनी चाहिए। हाँ जिसको भक्ति उसकी भक्ति, उसकी भक्ति नहीं, एकनिष्ठ होकर के भक्ति करनी, सबको आदर दो, लेकिन हृदय में कृष्ण हो राम हो नहीं तो नारायण हो, जिसकी मंत्र आपको मिली है उनकी ही इष्ट करो, इष्ट मानो, एकनिष्ठ होकर के उनकी भक्ति करो, सबको आदर दो, किसको अनादर मत करो, लेकिन हृदय में बस एक को बैठाओ। लेकिन जो एक हो ना, कृष्ण हो नहीं तो राम हो नहीं तो नारायण हो, ये तीनों में ही कोई एक इष्ट हो सकता है। अब जहां से मंत्र लिए, शंकर इष्ट नहीं होते हैं, मैया दुर्गा इष्ट नहीं होती हैं, श्री हनुमान जी इष्ट नहीं होते हैं, गणेश इष्ट नहीं होते हैं, ये हमारी गुरु होते हैं। आप देखना गोस्वामी तुलसीदास जब रामचरित मानस लिखे, उन्होंने गणेश जी को प्रणाम और माता शंकर जी और पार्वती को प्रणाम कर दी। बोले किस रूप में, बोले गुरु रूप में प्रणाम करते, ये गुरु होते हैं, क्योंकि इनकी कृपा से भगवान की भक्ति मिलती है। जैसे जैसे हनुमत लाल जी, इनकी कृपा से राम की भक्ति मिलती है, राम की प्रेम मिलती है, इसलिए इनको अपना गुरु मान करके इष्ट जो हो ना, कृष्ण राम नहीं तो नारायण, ये तीन कोई एक इष्ट होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे को एक निष्ठ होकर के भक्ति करनी चाहिए। तब उन्होंने मैया को बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान दी, बोले माँ भले जिस कुल में क्यों जन्म ग्रहण नहीं करे, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। भले ही कोई उच्च कुल में जन्म हो गए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो उसकी कोई महत्व नहीं, महत्व नहीं। जो महत्व है भगवान की भक्ति की महत्व है। इसलिए माँ ये मन में भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को प्रेम करनी चाहिए। बोले माँ जब जी प्रभु का भजन नहीं करे, मरने का बाद उसको जम लोग में जम तीन जम दूत उसको पकड़ कर घिसड़ते हुए ले जाते हैं, फिर उनको एक बैतरणी नदी पार होना पड़ता है। हम लोग में मरने का बाद गरुड़ पुराण सुनते हैं, हम लोग सुने हो गरुड़ पुराण, कौन कौन सुने हो, सुने हो, उसमें ये सारी चीज वर्णन आती है। ये 13 दिन के बाद में शुद्धि होते हैं, जानते हो क्यों 13 दिन के बाद में शुद्धि होते हैं, वो जो एक बैतरणी नदी
किस चीज में बनी हुई है? काटी, पेशाब, खून, पीक, माल, मूत्र, पीक से बना हुआ है। इसे कभी कभी बोलते हैं ना, आम्र गया दान दे दो, जो पापी होते हैं जल्दी जल्दी उसको पूछ पकड़ करके वो पार हो जाए। ऊपर से कोड़े पड़े ही और वो नदी को पार होने के लिए उसको 13 दिन लग जाती है। बोले कौन ये नदी को पार करते हैं? बोले वही जो ये जीवन पा करके भजन नहीं करते। मांस मछली साफ पीते हैं, उल्टा सीधा चीज खाते रहते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनको ये बेहतर नदी पार करना पड़ता है। लेकिन जिनकी गले में तुलसी की कंठी हो, जो ये तिलक लगाते हैं, भगवान की माला जप करते हैं, वो कभी वो नदी पार नहीं पाते। ये जब आप स्वयं कह रहे हैं दूतों को, जिनकी गले में कंठी तुलसी माला देखोगे समझ जाना कि ठाकुर जी के लोग हैं। अगर कोई पाप कर्म करेंगे उसका मैं विचार नहीं कर सकता हूँ, भगवान वो चीज को विचार करेंगे मैं विचार नहीं कर सकता हूँ। फिर उसको पार होने के बाद फिर 84 नरक है, जो जैसे जैसे कर्म करता है कर्म के अनुरूप उसको ऐसे ही गंदा रास्ता मिलता है। जो इन्हीं आंखों से गंदी गंदी मूवी देखते हैं, जिंदा जिंदा उनको आंखों के नोच लेते हैं, जो ये जीवा में भगवान के नाम नहीं करके दुनियादारी की बुरी निंदा चर्चा करते हैं उसका जीव काट दी जाती है, जो भगवान के नाम नहीं लेकर के शराब पीते हैं मरने के बाद मुंह में उसको लोहे को गला करके मुंह में डालते हैं, जो मांस मछली खाते हैं उसको जिंदा जिंदा करत में काटते हैं, उनको जो रोसे बनाते हैं जैसे पकौड़ा बनते हैं ऐसे गर्म तेल में उसको हम लोग पंचम स्कंध में ये सारी चीज वर्णन आती है। हम स्वयं पढ़िएगा, जो जैसे जैसे कर्म करे हैं, जो इन्हीं हाथों से हेर फेर करते हैं उसको हाथ काट दिया जाते हैं। हम स्वयं ये चीज को पढ़ लीजिएगा, ये पंचम स्कंध में 84 नरक है। जैसे जैसे तुम कर्म करोगे कर्म के अनुरूप फल भुगतना पड़ता। जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को ये सब कथा सुनाए, सुन करके परीक्षित महाराज काम उठे, बोले हे सुखदेव गोस्वामी क्या इससे जीव को मुक्ति नहीं मिलती है? बोले हाँ मुक्ति मिल जाएगी। बोले कैसे? अगर किसने ये पाप कर्म कर्म डाला उसको पता नहीं, लेकिन उसको बाद में ये सब चीज पता चल गया, फिर भगवान के स्थान में चले जाए, ठाकुर जी मेरे से गलती हो गई, हाँ मेरे अपराध को माफ कर दो। शास्त्र ने बताया अगर ऐसे पाप करोगे तो इसके लिए ये प्रायश्चित है, अगर ऐसे कर्म करोगे चले ये प्रायश्चित बताया गया, ये प्रायश्चित को कर लो मुक्ति मिल जाएगी। परीक्षित महाराज कहते आप कहते हो प्रायश्चित से मुक्ति मिलती है? बोले हाँ। बोले ये चीज मेरे को पसंद नहीं आया। बोले कैसे? जैसे देखो एक हाथी को आप लेकर के तालाब में अच्छे तरह से स्नान कराओ, हाथी का एक स्वभाव है जब वो पानी से निकलता है ना सबसे पहले ये धूल ढूंढेगा, वो धूल को सूंड में लेकर फर करके उड़ाएगा, शरीर लगा करके फिर वो जाएगा। जैसे हमने पाप कर की करके थोड़ी सी दान दक्षिणा दे दिया, फिर जाकर दो बार वही पाप, फिर वही घी में डालडा मिलाओ, फिर चावल में कंकड़ मिलाओ, फिर दूसरे चीज में फिर वही पाप करना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसे कोई काम किया है जो काम करने पर तुम्हारी चित्त कभी पाप में नहीं जाए? ऐसे है। बोले क्या है? बोले भगवान के नाम, ठाकुर जी की नाम है। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे सूर्य उदय होने पर अपनी आप प्रकाश हो जाती है, अपनी आप प्रकाश हो जाती है, अंधकार अपने आप हट जाती है। जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम को ग्रहण करे, हृदय में जितने अंधकार है, जितने तुम्हारी हृदय में पाप करने का वृत्ति, वो हृदय से ही सारे पाप करने का वृत्ति वो नष्ट हो जाता है। भगवान के नाम में इतने शक्ति। तब उन्होंने की कथा सुनाए, बोले एक व्यक्ति जिसका नाम था अजामिल, सद ब्राह्मण घर में इनका जन्म हुआ, पत्नी बहुत सुंदर कम उम्र की, और एक ब्राह्मण को गुण में जितने गुण होने चाहिए ब्राह्मण का गुण है, दया है, कृपालु है, पिता माता की सेवा करना, जीव को पर दया करना, इसकी अंदर में सारे सदगुण थी। एक दिन उसने
जंगल में यज्ञ करने के लिए कुछ लकड़ी कुछ फल फूल निकले गए। उन्होंने देखा ऐसा और एक सुल्तानी सब रखे और विवस्त्र होकर के दोनों मिल रहे हैं। अभी उन्होंने देखा तो देते हैं वो देखते ही रह गया और उसका हृदय में ना ये फटो खींच गई। जब उसने घर में आया घर में पत्नी काम उम्र ब्राह्मण की लेकिन अपना पत्नी को उसे त्याग दिया और ये वेश्या शूद्राणी को साथ में रहा और उसकी हाथ में अमेध्य कुमेध भोजन की। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं ये गंदी गंदी जो मूवी होता है ना ये चीज को मत देखो। देखो अजामिल जैसे व्यक्ति इतने बड़े ब्राह्मण घर में जो जन्म हुआ सारे सद्गुण संपन्न अगर एक बार ये गंदी चीज देख करके अगर उसका हृदय अगर परिवर्तन हो जाए फिर हमारा क्या बात। अभी ये बच्चे लोग इतने गड़बड़ी काम क्यों करते हैं उल्टा उल्टा क्यों करते हैं क्योंकि देखते हैं उल्टा उल्टा मूवी गंदी गंदी इसलिए देखते हैं। इसलिए अभी इतने सारी गड़बड़ी चीज हो रही है लड़ाई झगड़ा कोर्ट मामला इसलिए सब चीज हो रही है। पहले जो सिनेमा आती थी बड़े बूढ़ों को पूछो रामलीला कृष्ण लीला ध्रुव चरित्र सब अच्छी अच्छी चीजें आती थी। अभी अगर ये चीज कोई निकल तो कोई देखेगा नहीं जितने उल्टा पुलटा चीज होगा जब लोग वहीं पर जाएंगे। अभी उसने वैश्या को साथ में रहे दस दस बच्चे हुए लेकिन उसने किसी तरह से सबसे जो छोटा बेटा था ना उसका नाम जैसे नारायण रख लिया। अभी सबसे छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। अभी बात बात में बेटा नारायण मेरे लिए पानी ले आ बेटा नारायण तू कहाँ गए हो। अभी दिन रात नारायण 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 अभी मरने का समय आया हम मां और बच्चे से सारे काम कर रहे हैं जरूरत लेने लिया मैं उनको देख कर वो डर गया और अपना बेटे को दूर खेलते हुए देखा और उन्हें बुलाया बेटा नारायण ये चार या करें ना तीन जमतु लेके लिया माँ माँ कोई बात नहीं हम अभी जमदूत इस्तेमाल बड़ी ये कहते हम ले जाएंगे ये कहते हम ले जाएंगे। तब विष्णु ने पूछा भैया तुम कैसे ले आओगे बोले मैं पता नहीं ये ब्राह्मण घर में जन्म हुआ पत्नी बड़ी सुंदरी पति व्रता उसने पत्नी को त्याग दे करके सुरानी के साथ में रहा अमेध भोजन किया और दस दस बच्चों को पालन करने के लिए चोरी गुमगदी हर तरह बुरा कर्म कैसे डर जाएगा बोले ये पुण्य तो किया बोले क्या फिर किया बोले अभी भगवान का नाम लिया बोले भा जिंदगी भर पाप करते हो और मरने से पहले एक बार नाम लो हो गया सारे सारे। तब विष्णु तो कहते तुम मूर्ख हो तुम्हें क्या पता भगवान का नाम में कितना शक्ति है तुम्हें क्या पता है उदाहरण दिया है जैसे तो भूसा का एक ढेर हो तो रुई का उसमें आग की एक चिमनी क्या होता है जला करके सब राख कर देते हैं और जो भगवान का नाम है हरी से बड़ा हरि का नाम है भगवान से उनका नाम है और उसने जब सुने अपने बेटा का नाम नारायण रखा उसको सारे पाप से मुक्ति हो गई थी। और जब उन्होंने बारंबार नारायण 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 बोला जैसे माला जब करते हैं ना इसका माला जब हो गया और लास्ट में जो भगवान का नाम लिया ये तो भगवान की विशेष कृपा है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं बोले जय नामा मोनी जाता नागराए
इसमें बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, बोले जन्म इसमें दो अर्थ होता है। कोई कहता है ना, अरे अभी से क्या भजन करना, मरने से पहले दुआ कर लेंगे, मरने से पहले राम राम कर लेंगे। देखो यहाँ क्या है, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराए, कहती ये मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंतराम कहीं आवत नहीं, तभी अंतिम समय में प्रभु का नाम नहीं मिलता। हमने स्वयं देखा, एक समय हम तो बड़े गुरु जी इनको ले करके एक परिवार हॉस्पिटल में गए, उसको माता जी अंतिम सजा में लेट हुआ, दिन भर दया रे मैया रे, बेटे को देख लेना बेटी को देख लेना, सारा दुनिया की बात करता है, लेकिन उसको एक बार बोला राम राम कृष्ण कृष्ण बोलो, इतना मैं नहीं बोल सकती, इतना मैं नहीं बोल सकती, इतना बोल देते राम और राधे, ये दो अक्षर नहीं निकलता। उसकी एक नाती थी जो बड़े चतुर है, इतने में जब उसको बच्चों ने बोले माता जी तुम चिंता मत करो हम देख लेंगे, एक बार राम राम कृष्ण कृष्ण बोल, बोले इतना मैं नहीं बोल सकती हूँ। उसका जो नाती था दादी तू क्या नहीं बोल सकती हूँ, वो सोच रहा था इतना तो बोलेगी, मैं राम राम राधे राधे नहीं बोल सकती हूँ। उसने कहा तू जो बुलाना चाहते ना मैं वो ही नहीं बोल सकती हूँ, और सब बात में बोल सकती हूँ। देखना ये दुनिया के लोगों को बैठते हुए सारा दुनिया की उल्टा पुल्टा बात बता देंगे, बोलो भैया बैठ करके के माला करो, बैठ करके ठाकुर जी के थोड़ा भजन करो, देखना यही नहीं निकलती। कारण क्या है, वो इतने पापी है, इसलिए ये इतने ये पापी है, इसलिए सहज नहीं निकलता। देखो दूसरे अर्थ समझो, जन्म जन्म जतन काई अंतराम कही, ध्यान देकर सुनो, कहता है ना अरे मरने से पहले थोड़ा हरी हरी कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, अभी से भजन करने का क्या जरूरत। बोले नहीं भैया इतने आसानी नहीं, बचपन में जो आदत डालो ना अंतिम में वही चीज निकलेगा, रील में जो भरा होगा वो तो निकलेगा। अगर जिंदगी भर रील में कीचड़ कीचड़ ही भर दिया, वो अंदर में अंत में प्रभु का नाम कैसे निकलेगा। इसलिए जिस समय श्री प्रहलाद महाराज बच्चों को शिक्षा दो जवान भेजो बचने का प्रभाव, अभी से भजन करेंगे हमारी उम्र 5 साल की। देखो इतना सा ध्यान देकर सुनो, आपको प्रश्न करेगा तो उसका आंसर दे सकते हो, बल अभी से क्या बोल रहे हो भजन भजन करो। अब हम बच्चे हैं, लिखाई पढ़ाई करेंगे, नौकरी चाकरी करेंगे, हाँ बच्चों को जन्म देंगे, फिर बच्चों को शादी शुदा करके जब रिटायर हो जाएगा ना एक दो माला कर लेंगे, तो अभी से क्या बोलो कृष्ण कृष्ण राम राम बोलो। देखो प्रहलाद क्या कहता है, बोले कौमार आचरत प्राज्ञम धर्मान भागवत दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। बोले बच्चों भगवान की भक्ति 5 साल उम्र से भक्ति करना शुरू करो। बोले भैया 5 साल से क्यों करेंगे, जब बड़े हो जाएंगे करेंगे। प्रहलाद कहता है तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड है, बताओ किसको पास में गारंटी कार्ड, इतने साल जिंदा रहेंगे कोई गारंटी कार्ड है। हमने जो एक श्वास छोड़ा ना दूसरी बार भी श्वास ले पाएंगे कोई बता सकता है, यहाँ से घर जाकर ठीक से पहुंचे कोई बोल सकता है। अगर बीच में आराम से हो गया तो बोले अगर इसी जीवन में भजन नहीं हुई फिर अगले जीवन में भजन करेंगे। बोले मनुष्य जन्मम ये जो मानव शरीर है ये बारंबार ठाकुर नहीं देते हैं, ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये मानव शरीर हमें मिला, इसलिए बच्चों बचपन से भक्ति करो। तब उन्होंने एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मिट्टी जब कच्चा होना, देखना कच्चा मिट्टी में जो कुछ बनाना बना दोगे, अगर मिट्टी जब पक जाती है फिर कोई चीज बनेगी। बांस जब कच्चा होता है जिधर टेढ़ा करना टेढ़ा कर दो, बांस जब पक जाएगी वो टेढ़ा होगी वो टूट जाएगी लेकिन टेढ़ा होने वाले नहीं। फूल जब खिला हुआ हो हम ठाकुर जी के चरण में चढ़ा सकते हैं, फूल जब सजाए फिर ठाकुर जी का चरण में चढ़ाए नहीं चढ़ता है। कागज जब कोरे कागज हो इसको ऊपर में हम लिख सकते हैं, लेकिन कागज में जब लिख जाए दो बार लिखी जाती है नहीं जाती है,
उसी तरह बोले बच्चों भक्ति बचपन से करनी चाहिए। जब एक छोटा पौधा हो ना, एक जगह से उखाड़ करके दूसरे जगह लग जाएगी, लेकिन पेड़ बड़ा हो जाए वो जमीन नहीं। बोले तुम रिटायर्ड लाइफ में भजन करोगे? बोलते हाँ। बोले रिटायर क्यों करता है? जब देखा है ये अब किसी काम नहीं रह रहा, अभी आठ आठ घंटा बैठ करके काम नहीं कर पाएगा, बोले घर में जाओ, जो कुछ होना तेरा हो गया और तेरे से कुछ होने वाला नहीं। जब साधारण काम से तुमने रिटायर्ड किया, लेकिन जब मुनि तक मुनि लोग जत्न करने पर भी तभी प्रभु का नाम नहीं आता है, फिर तुमका प्रभु नाम कैसे आएगी? इसलिए बच्चों भगवान की भक्ति बचपन से शुरू करो और इसी जीवन में ही भगवान को तक पास में पहुंचना। जाना बड़ा दूर है, अगर अभी से चलना शुरू करोगे ना, फिर तो कहीं अंतिम समय में ठाकुर जी के पास में हम पहुंच सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन, जब मुनि लोग जन्मांत तक जतन करते अंतराम कही, फिर कहीं अंतिम समय में प्रभु का नाम तुम्हारे मुंह से निकला, नहीं तो दैयारे मैयारे करते करते बस राम जाते हो जाएगी, क्योंकि रील में जो भरा होगा तो निकलेगा ना, रील में तो प्रभु का भजन तुमने की नहीं, साधना कीचड़ भर दी, फिर अंतिम समय में राम कहीं कहां से आई। इसलिए भगवान की भक्ति कब से करनी चाहिए? बचपन से। मीरा कितने उम्र से की? 5 साल से। ध्रुव प्रहलाद कितने उम्र से की? 5 साल से। तुलसीदास कितने उम्र से की? जवानी। हनुमान जी कौन सा उम्र की है? जवानी, बचपन से। कोई भी बूढ़े होकर भजन नहीं किया, बचपन से भजन करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर विष्णु ने कहा, उसने भगवान का नाम लिया अंतिम समय में, ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है। बोले देखो भगवान का जो नाम है ना, सारी तरह से कल्याण करते हैं। बोले कैसे कैसे? बोले संकेतम परिहसम स्तोभम हलन नवेबा। बोले पहला नंबर है संकेत। संकेत का मतलब होता है जैसे बच्चे का नाम कृष्ण रख लिया, राम रख लिया, सीता रख लिया, बार-बार बुलाते हो राम कृष्ण। इसलिए पहले देखना लोग बच्चों का क्या करते, जितने बड़े बूढ़ों के नाम पूछो, कृष्णा गोविंद राम दामोदर, जितने बड़ी बुढ़ियों को पूछो गीता सीता लक्ष्मी, यही ना। लेकिन अभी बच्चों का नाम पूछो, टुल्लू बुल्लू टिंकी फिंकी रीनो झुंकू, ये विदेश में ना सब कुत्तों का नाम है। हम विदेश में जाते हैं ना, विदेश में सब कुत्तों का नाम है, और हम कहते नहीं, हम तो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं ना, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। इसलिए भगवान का नाम इसे पुराना पुराना नाम कृष्ण गोविंद था, अभी तो हम सब बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे ना, क्या नाम रखेंगे कुत्तों का? नहीं, बहुत बड़ी ये संस्कार है। देखो हम लोग ध्यान देख रहे, सुनो, बच्चों का नाम जब रखवाते हो पहले किसी ब्राह्मण के पास में जाओ, उसका जन्म तिथि बताओ, वो फिर एक अक्षर निकलेगा, वो अक्षर को पहले रख करके भगवान नहीं तो किसी भक्त का नाम रखो, मनमानी नाम को मत रखा करो। क्योंकि आप लोग हिंदू लोग, आपको पता होगा जब शादी होती है ना, इनकी जन्म पत्री मिलाई जाती है कि नहीं, जन्म पत्री मिलाते हैं। अगर तुमने उसकी नक्षत्र को देख करके नाम लगाओगे फिर इसकी जन्म पत्री मिलेगी, नहीं तो जन्म पत्री नहीं मिलेगी। मैं कहीं कथा करने के लिए गया था, जब ये बात बताया, एक माता जी मेरे पास में आई, बोले बाबा आप सही बता रहे हो। बोले क्या है? बोले मेरी 2 बेटी है, मैंने कोई पंडित के पास में गया नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया, जन्म पत्री मिलाया, मिला ही नहीं जन्म पत्री, तभी मिलेगी पर उसका जन्म नक्षत्र से होगी। हमने कहा कोई बात नहीं, शादी करा दो। और दोनों बेटी जब अपना गई ससुर घर में, बस इतने लड़ाई हुई, दोनों बेटी अभी घर में बैठे, दोनों बेटी अभी घर में बैठे हैं, इनके बोझ है। इसलिए बच्चों का नाम ऐसे तैसे नहीं रखने का, ये सबके सब साइंस है, ऋषि मुनियों ने तो विधान दिया है। इसलिए बच्चों का नाम क्या रखना चाहिए? भगवान की
नाम पर रखो जिससे हमारी जीवा भी कल्याण है, जो सुनेगा उसका कल्याण होगा, वो घर में ठाकुर का नाम गुंजेगा ना उसका भी सभी का कल्याण होगा। अगर ठाकुर जी का नाम रखोगे तो ऐसे ही जमदूतों को विष्णु दूत ने मार मार कर भगा दिया वहां से, और वो लोग जा करके जब महाराज को बोले तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे, बोले क्यों, बोले बहुत बड़ा पापी था, उसको लेने के लिए गए तो पता नहीं कहां से सारे हाथ वाले आ गए, और देखने में बड़े सुंदर थे देखने में, और हमको शस्त्रास्त्र से परास्त कर दिया, मार मार कर हमें भगा दिया, लो तुम्हारी अस्त्र शस्त्र तुम्हारी नौकरी नहीं करेगी। ये बताओ जगत में कितने मालिक है, बोले क्यों बात किया है। तब जब महाराज बोले ये बताओ उसने मरते समय कुछ बोला था, बोले हाँ एक बार उसने किया नारायण भाव, जब महाराज नारायण नाम सुनते ही बेहोश हो गए, बोले नारायण नाम लिया वो तुम्हारे प्रभु का नाम है। जब तुम पहले दुनिया का हरता करता विधाता यही है, जब इन्होंने बोले मेरे भी मालिक, बोले तुम्हारे भी कोई मालिक है, हम तो सोच रहे थे जगत का मालिक भी तू, बोले मूर्खों मैं तो नौकर हूँ, भगवान नारायण हमें कृपा करके ये पोस्ट हमें दिया है, अहोभाग्य जिनको दर्शन किया है ना वो सबके सब भगवान के भक्त हैं, संतों को तुम लोगों ने दर्शन की तुम्हारे जीवन धन्य हो गया। देखो जो भगवान ने भक्ति करते हैं उनको पास में मत जाना प्रणाम करना, बोले हमें बता दो, हाँ ध्यान देकर सुनो, कहते हमें बता दो कौन भजन करता नहीं करता, कुछ लक्षण तो डालो जिसे पता चल जाए। देखो एक श्लोक है, बोले ललाटे तिलकम नास्ति कंठ नास्ति त्रिकंठिया हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। जो भक्ति करते हैं उनमें तीन लक्षण होता है, कितना लक्षण होता है, तीन लक्षण होता है। बोले पहला लक्षण क्या, बोले गले में तुलसी की कंठी होगी, जरूर उनको गले में तुलसी की कंठी होगा। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया, देखो दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक फालतू और पालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते होते हैं देखना उनको गले में पट्टा लगा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है इसके घर के कुत्ते हैं, और जो फालतू कुत्ते बिन्ने पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़े नहीं। अगर गले में हमारे तुलसी कंठी होना हम किसकी पालतू है, किसकी पालतू है, भगवान की पालतू, कोई भी अंगुल उठाकर देखेगा नहीं। कभी कभी देखना बहुत ज्यादा कोई कुत्ते लाए ना सरकार का आ जाते हैं, ये कुत्ते को इनको नपुस करा दो नहीं तो उसको पकड़ कर ले आओ, हैं इनको बात सामने डाल दो, अगर नहीं तो गोली मार दो। अगर किसी पालतू कुत्ते में गोली लग गया ना उसके ऊपर केस हो जाएगा। जिसके गला में तुलसी कही है वो किसकी पालतू है, ठाकुर जी की। इसको ऊपर में जमदूत कभी आंख उठा करके देख नहीं सकता है, इसलिए गले में तुलसी की कंठी हमारी होनी चाहिए। तुलसी ही नहीं है, हम तो हिंदू लोग हैं, देखना नाला नारायण को साथ में तुलसी की शादी होती है। अगर गले में कंठी हो तो कौन आ गए, माँ लक्ष्मी की निवास हो गई। बोलते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों बाप के बिहारी, बोले वृंदावन वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब वन, जहाँ तुलसी वन वहीं पर ठाकुर जी। इसलिए जो तुलसी कंठी मतलब लक्ष्मी नारायण तुम्हारी गले में निवास हो गई, लक्ष्मी नारायण की। कभी इसको जो पहन करके स्नान करते हैं इसका पानी सारा शरीर में जाता है, सारे बीमारी निकाल देती है। इसलिए बोले रोज रोज जो तुलसी पत्ता ठाकुर की चरण में देकर खाए, कभी टीबी कैंसर कभी जिंदगी में नहीं होगी। तुलसी में बहुत सारे मेडिसिन है, आप दुकान से मेडिसिन ढूंढना उसका नाम तुलसी पाउडर, इतना बड़ा बोतल मिलेगा, एक पेपर मिलेगा उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें दो तरह की बीमारी की नष्ट करने का मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में। अगर गले में तुलसी कटी ना तुमको कोई बीमारी हमारी शरीर में नहीं आएगी, जब तुमको पकड़ेंगे नहीं कभी, ठीक है ना। कहते ये एक लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या, बोले ललाट से तिलक, ललाट में जरूर तिलक धारण करनी चाहिए है? जैसे एक सधवा स्त्री, हमें कैसे पता चलता भाई ये सधवा, मांग भर दिया है ना, मंगलसूत्र पहनती हो,
नाक में बेसर है, हाथ में शंखा है, देखने से पता चलता भैया ये सद्धवा स्त्री है। और जो विधवा स्त्री तो दूसरे तरह के होते हैं, हैं? इसलिए कहते जब सद्धवा स्त्री के जैसे लक्षण है, उसी तरह जो हम भगवान की भक्ति करते हैं उसका क्या लक्षण है। हम कहते हैं आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, कहते हैं मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ये जो तिलक है ना, इसको पहनना मतलब है तो भगवान की हम दुल्हना दुल्हन बन गए ठाकुर जी की। हाँ, कोई कोई कहते हैं ना हर दुनिया को दिखाने का क्या जरूरत है, ये तिलक कंठी पहन करके दुनिया को दिखाएंगे, भजन कर रहे भजन कर रहे। अंदर में रखा, देखो संध्या कहते हैं बोले भैया तुमने जो इतना मांग लिया, तुमने जो इतना सिंदूर लगा दिया, पति को अंदर में रखा ना, दुनिया को क्यों दिखा रहे, पति को अंदर में रखो, इतने श्रृंगार कर क्या जरूरत है। जैसे पति जिंदा है, अगर पत्नी एकदम विधवा का रूप धारण करते होगी, अगर चली जाती है पति स्वीकार करेगा तुम्हें, बोला इंदिरा रहती तुम मेरे खत्म कर दी तुमने, जब तुम्हारी जगत पति तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा वो परम पति तुम्हें क्या स्वीकार करेगा। बता पति कम से शादी से पहले कोई मतलब था, अगर अगर बीच में लड़ाई होकर डाइवोर्स हो गई तो गया, अगर रहा तो मरने बाद पूरा ही गया। जब दो दिन के पति के लिए हम इतने श्रृंगार भर देते हैं जो जन्म जन्मांतर से पति, तब उसके लिए कुछ लक्षण नहीं होने चाहिए क्या? तो कल तक हो सके। हनुमान जी को देखे हो तिलक है कि नहीं, भगवान राम को देखो तिलक ही नहीं, कृष्ण को देखो तिलक है कि नहीं, नारायण को देखो तिलक है कि नहीं, भगवान भी स्वयं तिलक लगाती है। हरी बात छोड़ दो, आप देखना जैसे कोई अच्छे बिजनेस के लिए जाते हैं, हम क्या करते हैं तिलक लगा कर भेजते हैं भैया तेरे बिजनेस बन जाए। जैसे कोई युद्ध करने के लिए जाते हैं तिलक लगा करके, विजय के लक्षण है। ब्राह्मण जैसे पूजा कराने आएगा, जब तक तुम्हारी तिलक नहीं लगाएगा तुम्हें पूजा ही नहीं कराएगी, पूजा भी निष्फल है। इसलिए जम महाराज कह रहे हैं गले में तुलसी की कुंठी, ललाट में तिलक, और क्या हाथ में माला की झोली। एक बार हाथ उठाकर बोलो बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री वृंदावन की हरि लाल की। अभी भगवान वामन देव आएंगे, फिर कृष्ण जन्म होगा, आज बड़े सुंदर ड्रामा करेंगे, बड़े सुंदर बढ़िया। हमारे फरीदाबाद से कुछ भक्त लोग आए, कैसे कंस महाराज कैसे बड़े सुंदर हमको प्ले करके दिखाएंगे, बहुत बढ़िया प्ले करके दिखाएंगे। और आज तक भगवान का कृष्ण जन्म हुए, आज कौन सा रंग के कपड़े पहन करके आए हो, कौन सा पीला रंग की, इसलिए कल से राधा रानी जन्म लेंगे, इसलिए कल से कैसे गुलाबी रंग की साड़ी पहन करके आना। ये देखो पीला गुलाब क्यों है, ये पीला वस्त्र हमने किए हो, भगवान कृष्ण का जो कृष्ण कपड़े पहनते हैं कौन सा रंग के, पीले रंग। बोले पीले रंग क्यों पहनते हैं, बोले तब का कांचन गुलांगी, राधा रानी का अंग का जो रंग है वो पीला रंग है, इसलिए कृष्ण पीला रंग पहन करके राधा के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं। और राधा रानी का जो चुनरी का रंग कौन सा रंग है, गुलाल रंग। बोले क्यों, ये गुलाल रंग की चुनरी क्यों उड़ती है, कहते ना आज बीरज में होली रे रसा, वो जो होली खेलते हैं वो गुलाल रंग